हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडफिट। आज ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चे क्रीमे फेडरल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे सीनियर से मिलवाऊंगा जिनकी मतलब कि यूनिवर्सिटी में तो आप सुन इनका नाम पूछ ही सकते हैं कैसे है पढ़ने में, लेकिन इनका एक्सपीरियंस 6 साल का कैसा रहा इस कॉलेज में वो भी ये बताएंगे आपको, क्योंकि काफी बच्चों का मतलब कि पेरेंट्स का भी क्वेरी होता है, क्योंकि वो 2014 के बाद में ये क्रीमिया रशिया में आया तो बहुत बहुत लोगों का मिथ है कि यहाँ ये सेंशन है, यहाँ ये नहीं चलेगा सर्टिफिकेट, इंडिया में दिक्कत होगी, ये सारा चीज बताएंगे। और जो भी इन्होंने प्रॉब्लम फेस किया या नहीं किया वो सभी अपने एक्सपीरियंस बताएंगे 6 साल की इस वीडियो में, तो उनसे मिलवाता हूँ मैं। और ये आपको ये सजेस्ट भी कर सकते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे पढ़ना है, ये टोटल ये इस वीडियो में बताएंगे। चलो मैं मिलवाता हूँ, ये हमारे रौनक भैया है, ये मोहिल भैया है। तो आप पहले ये बताओ कि ये क्रीमे फेडरल यूनिवर्सिटी है ये कैसा है? देखो, यूनिवर्सिटी एकदम बढ़िया है। यूनिवर्सिटी अगर आप आना चाहते हैं आ सकते हैं, आप अपने आप से खुद से पढ़ाई करके एकदम इजीली फर्स्ट टाइम में। बहुत सारे बच्चे इधर है जो फर्स्ट टाइम एमसीए भी निकल देते हैं, कोई भी बच्चे पीजी भी निकल देते हैं फर्स्ट टाइम में। मेरे सीनियर थे जो, वो उन लोगों ने भी निकाला हुआ है, पीजी भी निकाला फर्स्ट अटेम्प्ट में और एमसीए भी अच्छे मार्क्स से निकाला हुआ है। तो यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, आ सकते हैं आप। और ये वॉर का सब लोग बोल रहे हैं, बीच में हो गया था और बीच में बहुत सारे बच्चे घर भी चले गए थे, लेकिन ये वॉर का इधर मुझे अभी अफसोस हो रहा है, मैं घर जाके आया, लेकिन जाने की जरूरत भी नहीं, एकदम सेफ है ये वॉर जोन, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ इधर, एकदम सेफ है, आ सकते हैं आप। तो अब इनका एजुकेशन पैटर्न ये बताएंगे कैसा पैटर्न है यहाँ एजुकेशन का? यहाँ पे 6 इयर्स है और पूरा एजुकेशन मतलब एकदम लेक्चर सही से ले रहे हैं, सब क्लास भी ले रहे हैं और पढ़ाई मतलब लेक्चर में सब पढ़ाते हैं और क्लास में पूरा अपने आपको बोलना होता है, आपकी टेस्ट होती है तो पूरा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि मैंने ये सुना था कि रशिया में कोई कोई यूनिवर्सिटी में 3 साल रशियन में पढ़ाते हैं और 3 साल इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बट इस यूनिवर्सिटी में क्या है, 6 के 6 साल इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं। और यहाँ का क्लाइमेट दूसरा सबसे अच्छा चीज है कि रशिया में बहुत कोल्ड होता है सब जगह, यहाँ पे क्लाइमेट भी नॉर्मल रहता है, एकदम सही है रहने के लिए भी सही है। और वॉर का भी बहुत लोगों ने मेरे को बोला था जब मैं यहाँ पे आया था कि वॉर जोन है, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ, 6 साल हमारे हो गए, निकल गए, अभी आज जा रहे हैं और हम बीच में घर पे भी चले गए थे, बट नहीं जाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लोग सेफ रहे थे, ऐसे ही हमारा वो धक्का पड़ गया घर पे जाने के लिए। तो यहाँ पे काफी बच्चों का ये भी दिक्कत होता है कि फूड फैसिलिटीज, फूड में खाने में, जैसे इंडियन है हम तो हमें खाने का आदत होता है, वहाँ का यहाँ मिलता है या नहीं, तो ये 6 साल रहे हैं यहाँ पे ठंडा, सर्दी और बरसात हर चीज में, तो कोई ऐसा इशू आता है जो खाना वाना इंडियन खाना या ना मिल पाए? नहीं, इंडियन खाना सब कुछ मिल जाता है, इंडियन मेस भी है हमारी, तो एक दो मेस भी है इंडियन, बच्चे अगर खाना चाहे तो मेस में भी खा सकते हैं और खुद से बनाना चाहे खुद भी बना सकते हैं। तो वेजिटेरियन हो तो उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि सब्जियां वब्जियां थोड़ी कम मिलती है, बाकी सब कुछ सही मिलता है। नॉन वेज है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत कुछ नहीं आती। और यहाँ पे बच्चे भी बनाते हैं मेस मतलब खुद से, तो आप उससे भी ऑर्डर करवा सकते हो कभी कभी और मेस में भी खाना बना सकते हो। और यहाँ पे मार्केट में जाओगे तो सब तरह की दाल भी मिल जाएगी, सब्जी भी मिल जाएगी और बहुत सस्ते में, मतलब मार्केट में सब सस्ता मिलता है, ऐसा नहीं है, मॉल में थोड़ा होता है महंगा, बट अगर मेन मार्केट में जाओगे तो वहाँ पे सब मिल जाएगा और सस्ता। तो भैया ये आज जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि लास्ट टाइम, ये हमारी रिलेशन काफी अच्छी है कि एज अ सीनियर हर चीज में गाइड कराया हमें, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ का पैटर्न में क्लास में पूछते हैं, वो आपको घर से ही पढ़ के जाना होता है, तो ये काफी इन्होंने हेल्प करा है हमें इस चीज में। तो ये इनका आज आखिरी दिन है क्रीमिया में, इसके बाद में शायद, और ये जब एनएमसी या एमसीआई का जब एग्जाम देंगे तो उसके बाद में भी इनका एक्सपीरियंस लेंगे। मैं जहां तक इन्हें जानता हूँ, जितने दिन से देख रहा हूँ, इनकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करेंगे, पास तो मतलब क्लियर तो कर ही लेंगे, लेकिन अच्छा स्कोर जो होता है ना, एक रिकॉर्ड सेटिंग, ये उम्मीद है हमें इनसे। और ये जाहिर सी बात है ये करेंगे ही करेंगे, जिन मेहनत जो बंदा करता है वो उसके लिए गॉड भी हेल्प करता है, आप जानते भी हैं कि हमेशा से जो डेडिकेटेड बंदा है, इनको बिल्कुल भी मैंने स्टडी रूम छोड़ के दूसरी जगह देखा ही नहीं, तो सब सोच ही सकते हैं। तो इनके जाते टाइम में भी मैं आपको बताऊंगा कि इस ब्लॉग में आगे बताऊंगा मैं कि हमारा कैसे जा रहे हैं, कैसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये जा रहे हैं तो लगता है ना कि एज अ सीनियर है, एज अ गार्जियन तौर पे, ये कोई भी दिक्कत इधर उधर हो तो इनसे हम पूछते थे, कोई भी छोटा मोटा भी प्रॉब्लम हुआ किसी भी चीज का, क्योंकि हम अभी नए हैं, मैंने तो 1 साल तो घर पे ही ऑनलाइन के चक्कर में, मतलब ऑनलाइन में ही गया, तो मैं काफी नया हूँ, और जो हमारे वीडियो बना रहे हैं वो भी 5th ईयर में, उनके पास भी काफी एक्सपीरियंस है, तो फ्यूचर में मैं उनका भी रिव्यू ले लूंगा जरूरत पड़ेगी। तो अभी
एक और क्वेश्चन है, ये मेरा पर्सनल का क्वेश्चन है कि काफी जैसे यहाँ पे प्रिपरेशन, जैसे एनएमसी में निकालना है कैसे प्रिपरेशन करे, ये रहता है ना, आप काफी दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप, मुझे तो पता है कि आपका निकल जाएगा जैसे हम लोग है, तो किस टाइप से प्रिपरेशन करना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा क्लियर हो जाए, आप ये कुछ हमें बताएं, और वो भी जानेंगे जो बच्चे इंटरेस्टेड है यहाँ आ रहे हैं, तो सुनो आप इनसे। सबसे बढ़िया जो सबसे दिक्कत बच्चों के रहते हैं, एमसीआई निकालना होता है, फॉरन जा रहे हैं तो एमसीआई का दिक्कत रहता है बच्चों को, बहुत सारों का क्वेश्चन होता है, तो ये होता है, तो आप स्टार्टिंग में आते हो, थर्ड ईयर तक पढ़ते हो, थर्ड ईयर तक आपको यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि इधर सारे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट वो सारा वगैरह रहता है, तो पहले आपको वो क्लियर करना है। फोर्थ ईयर में स्टार्ट होता है आपका क्लिनिकल सब्जेक्ट सारे, और हॉस्पिटल में जाना होता है आपको, तो फोर्थ ईयर के बाद थोड़ा आप रिलैक्स हो जाते हैं, और फोर्थ ईयर के बाद आपको अपने प्रिपरेशन चालू करने, नेक्स्ट के लिए करो, आप नीट पीजी के लिए करो, और वो भी बहुत सारे ऐप आ गए, बहुत सारे से आप पढ़ सकते हैं, प्रेप लेटर है जैसे मेरो, ई गुरुकुल, बहुत सारे आ गए, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म, सब अच्छे हैं। लेकिन अभी वो सिस्टम आ गया कि बच्चे बड़ी बड़ी बुक यूज करते थे पहले, अभी वो सिस्टम निकाल देने का, अभी वो जो ऐप आते हैं उसी में से प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे इंडियन बच्चे भी वही करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी बुक पढ़ने का भी कुछ फायदा नहीं होता, आप पढ़ते भूल जाते एक साथ, तो फिर वो ऐप से आप पढ़ भी सकते हैं और उसका रिविजन भी जल्दी हो जाता है क्योंकि नोट्स भी मिलते हैं उस, तो वो आप फोर्थ ईयर से ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन और उससे अच्छे से पढ़ सकते हैं और आराम से निकल जाता है मोस्टली। देखो अभी मेरा ऑलमोस्ट एफएमजी का सब कुछ प्रिपरेशन हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, 4 महीने मेरे पास और, रिवीजन कर देंगे, हो जाएगा हमारा एमसीए सब कुछ। तो ये रहा एजुकेशन सिस्टम से रिव्यू, आप जान ही सकते हैं, आपको जब सिलेक्शन होगा तो फिर उसके बाद में भी एग्जाम दे के आएंगे, फिर एक बार और इनसे बात करके मैं वीडियो बनाऊंगा, तो पूरा आप देख ही लियो क्या सिस्टम, इनका 6 साल का एक्सपीरियंस रहा, ये काफी अच्छे सीनियर में, किस्मत वालों को ऐसा सीनियर मिलता है जो हमने पाया है, इन दोनों के जूनियर में ऐसा किस्मत वालों को मिलता है। तो ऐसे मैं अपने आप को पर्सनली बहुत लक्की मानता हूँ कि इनके गाइडेंस में हमें मौका मिला रहने को, तो ये वीडियो अभी आगे कंटिन्यू होएगा, जब हम छोड़ने जाएंगे सारा वीडियो बना के दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे, अभी ये ट्रेन से जाएंगे तो अभी रेलवे स्टेशन पे भी हम जाएंगे इन्हें छोड़ने, तो ये वीडियो यहाँ अभी खत्म नहीं होता, आप देखते रहिए। क्वेश्चन है मेरा इनसे कि जैसे बहुत बच्चों का क्वेश्चन है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं या नहीं, तो आप एक्सप्लेन करो कि कैसा है, क्या उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उन्हें कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं आएगी। देखो बहुत सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे माइंड में भी था जब मैं था 12th स्टैंडर्ड में, तो फिर मेरे को तो एक पहले खुद से मतलब कंफ्यूजन हटा दो और खुद से मतलब सोच लो कि ठान लो डॉक्टर बनना ही है, अगर बनना ही है तो ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है रशिया में, आप यहाँ पे आ सकते हो, खुद से पढ़ाई करो, खुद से सब करो, हो जाएगा आपका, ये मतलब फाइनल ही है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के एंड में मतलब इतना आपको मेहनत करवा देती है कि आप अच्छा डॉक्टर बन सको एक, तो माइंड में कोई कंफ्यूजन मत रखो, अगर डॉक्टर बनना ही है तो ये यूनिवर्सिटी रशिया में अच्छी है, आ जाओ, रशिया में आना है तो ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। देखो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि बच्चे बहुत सारे इधर आते हैं और बहुत सारे ये फॉरेन है, ठीक है, तो इधर मौज मस्ती बहुत सारा रहता है, तो इसकी चकाचौंध में बच्चे सब मतलब मस्तियां ज्यादा करने लगते हैं, वो बच्चे सिर्फ एमसीए पास नहीं कर सकते, लेकिन जो बंदा 6 साल डेडिकेटेड मतलब रहा है और पढ़ा है अच्छे से, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है सब कुछ, नीट पीजी भी निकाले हुए हैं बहुत सारे बच्चे, एफएमजी भी निकाले हुए हैं, तो आपको मजाक मस्ती भी करनी है लेकिन कम करना, पूरा ऐसा नहीं कि सिर्फ मजाक मस्ती, पढ़ो अच्छे से आराम से हो जाएगा, आराम से पढ़ाई रेगुलरली करना है, मतलब 5-6 घंटे तो आप सोच ही लो कि करना ही है, फोर्थ ईयर से तो रेगुलरली करना है क्योंकि टाइम भी मिलेगा आपको, थर्ड ईयर तक थोड़ा कम टाइम मिलता है फिर भी 2-3 घंटे तो हर रोज पढ़ना ही है आपको, और फोर्थ ईयर से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो एफएमजी के लिए, कुछ भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ पे। Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be. अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन क्या करें, फिर जाना ही पड़ता है, पैमाने पे जाना। इधर से ही जा रहे हैं।
जाने देने का मन तो नहीं कर रहा, समझ ही रहे आप, क्योंकि अब इन्हें जाना तो पड़ेगा क्योंकि इनका एग्जाम है और इनके लिए थोड़ा प्रिपरेशन रिवीजन विजन करना पड़ेगा इन्हें, तो अभी जाएंगे। अच्छा नहीं लग रहा फिर भी, देखो हम आया था फर्स्ट ईयर में, आप कुछ सजेशन दे दो लास्ट जाते जाते कि बच्चे जो आना चाहे, बच्चे आना चाहे वो बेझिझक आ सकते हैं क्योंकि इधर बहुत अच्छा भी है, बहुत अच्छा है और कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी तो सब सही है। पढ़ाई पे ध्यान रखो, पढ़ाई पे ध्यान रखो, बाकी हम आए थे 6 साल कैसे खत्म हो गए पता भी नहीं चला, ऐसे निकल जाते हैं हम, अभी लगता है फर्स्ट ईयर में तो अभी जा भी रहे हैं, बुरा भी लग रहा है थोड़ा, लेकिन फिर टाइम के साथ सब कुछ आगे बढ़ना पड़ता है सबको। चलो ठीक है, अब अगली मुलाकात इंडिया में होगी आपसे, जरूर मिलेंगे आपसे, बाय। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। कोई नहीं, हर वीडियो को लाइक जरूर करना, तो अब इस टाइम ऐसे करना अच्छा नहीं लगता।